तो दोस्तों कुमकुम कुतिया ब्रश करते करते रोने लगती है। रंगा सियार आकर पूछता है, डार्लिंग आखिर क्या हुआ? कुमकुम कहती है, मेरे टूथपेस्ट में नमक नहीं है। ऐसे ही एक नमक पर लड़ाई जारी है बॉलीवुड के अंदर तापसी और कंगना के बीच। तापसी पन्नू ने कंगना रनौत को एक डिक्टेटर से कंपेयर कर दिया है जो बॉलीवुड को डिवाइड एंड रूल करना चाह रहा है, और वो कंगना के उस बयान के बाद किया है जिसमें कंगना ने तापसी को एक बी ग्रेड एक्ट्रेस कह दिया था। लेकिन तापसी पन्नू ने कंगना रनौत के ऊपर इस प्रकार के एलिगेशन क्यों लगाए हैं, उसका असली रीजन आपको करंट देने वाला है। जी हाँ, 440 वोट का करंट देगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो दोस्तों तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर ने कुछ इन शब्दों में कंगना रनौत के ऊपर अटैक किया। खुद पढ़ लो तो ज़्यादा अच्छा है, मैं पढ़ूंगा तो पोस्ट लंबी हो जाएगी। पर अब सवाल आता है कि भाई कंगना के ऊपर ये अटैक क्यों? तो अर्नब गोस्वामी को दिए गए इंटरव्यू में सुशांत सिंह राजपूत इंसिडेंट पर कंगना रनौत ने ये कह दिया था कि भाई तापसी और स्वरा जो है वो बी ग्रेड एक्ट्रेस है। I have only and only to lose here because I know tomorrow they will get some 20 needy outsiders like Tapsee Pannu or Swara Bhaskar who will get up and say, oh, only Kangana has problem with nepotism. We to love Karan Johar. If you love Karan Johar, why are you both B-grade actresses? You are both better looking than Alia Bhatt and Ananya. You both are better actresses. Why don't you get work? Your whole existence is a proof of nepotism. Your whole existence is a proof of nepotism. What are you telling me that how happy you are with the industry? So I know this will happen. The whole system will work to make me look like a mad person. अब इस इंटरव्यू के अंदर कंगना ने महेश भट्ट, जावेद अख्तर, करण जौहर सबका नाम लिया था। कितना गलत है कितना सही है तो या तो कंगना जाने या फिर पुलिस वाले जाने जो इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन कंगना के तापसी स्वरा पर बयान के बाद विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट करके कहा था कि कुछ फिल्मी व्हाट्सएप ग्रुप्स में यही बातें हो रही हैं सिर्फ कि कंगना को किस प्रकार से गाली दी जाए और बी फिटिंग रिप्लाई देने वालों की एक लिस्ट बनाई जाए। और बी फिटिंग रिप्लाई आए भी। तापसी पन्नू ने कहा कि भाई मैं अपने पर्सनल डेटा के लिए किसी की मृत्यु का यूज कर लूं, मैं इतनी कड़वी नहीं हूं। अब इनकी कड़वाहट का तो पता नहीं, लेकिन स्वरा भास्कर ने इस पूरे मुद्दे को एक्नॉलेज कर दिया तापसी पन्नू के बयान को, और उसके बाद इस पूरे मुद्दे में जहर भरना तय था और वो भरा भी। किसी फिल्म मेकर ने कहा कि तापसी और स्वरा को इतिहास याद रखेगा क्योंकि ये उस समय बोली जब देश को एक डिक्टेटर डिवाइड कर रहा था। तापसी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि हाँ जी वो तो सही है, पर उससे पहले इंडस्ट्री को भी कोई अपने फायदे के लिए डिवाइड कर रहा है। मतलब भाई साहब, करण जौहर की किसी पार्टी में किसी सब्जी में नमक ज्यादा गिर जाए ना तो भी ये लोग मोदी को ब्लेम कर देंगे। पर चलो ये सही बात है, प्रजातंत्र के अंदर जो लकड़बग्गे हैं वो भी खिचड़ी की रेसिपी बता सकते हैं। पर सवाल ये आता है कि क्या कंगना ने एक्चुअल में ऐसा कहा था? तो जी मैंने ये बयान कई बार सुना है, उसमें मुझे तो ये प्रतीत हो रहा है कि कंगना ये कह रही हैं कि तापसी और स्वरा जो हैं वो आलिया और अनन्या से बेटर दिखती हैं और बेटर एक्टिंग करती हैं। बेसिकली बी ग्रेड एक्ट्रेस नहीं कहा गया, उन्हें ये कहा गया कि इनको ए ग्रेड की फिल्में मिलनी चाहिए। लेकिन साथ के साथ में करण जौहर और बॉलीवुड का जो दी गैंग है उसका चाटुकार भी कह दिया। तो भाई तापसी पन्नू तो कुछ समय पहले खुद ही कह रही थी कि उन्हें सिर्फ बी ग्रेड फिल्में मिलती हैं। So there are lists that are made. Okay, you are an A-lister. Okay, you are a B-lister or you're not an A-lister. So there are always like people expect to work with the A-listers, so-called. And they don't, and some of them don't see me in that. So there have been times that you get rejected by people saying, well, you're not an A-lister, so we don't wish to work with you. वहीं तापसी पन्नू खुद अपने आप को एक समय पर नेपोटिज्म का शिकार बता चुके हैं, और दूसरी तरफ कंगना रनौत ने जो अपने इंटरव्यू में नाम लेकर कहा है, वहीं तापसी पन्नू ने एक अपने इंटरव्यू में बिना नाम लिए कहा था। सुनिए। Director told me that you know in Chashme Badu you were the only thing that didn't work and that was on my face. Because I was tagged with this bad luck charm. ये पनौती है बेसिकली। आई वॉज टोल्ड बाई माई एजेंसी एट दैट पॉइंट देयर इज नो पोटेंशियल इन मी। क्वाइट अ फ्यू फिल्म्स हैव बीन रिप्लेस्ड। आई एम नॉट फ्रॉम अ बिग सरनेम फैमिली। आप बताइए, यही सब तो कंगना रनौत ने अपने इंटरव्यू में नाम लेते हुए मोटी मोटी बातें कही हैं, लेकिन कंगना रनौत ने अपने इंटरव्यू में सब कुछ सच कहा है ये मैं नहीं जानता, ये पुलिस जाने या कंगना रनौत जाने। लेकिन हाँ, जो मुद्दा उठाया गया है सुशांत सिंह राजपूत इंसिडेंट का या फिर बॉलीवुड के अंदर नेपोटिज्म का, वो ज़रूर सही है। क्यों सही है तो उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन तापसी पन्नू जैसे एक्टर्स जो हैं खुद माइल्ड टोन में यही सब बातें कह चुके हैं अपने इंटरव्यूज़ में जो कंगना रनौत ने अभी थोड़ा खुल के नाम लेकर बोल दिया है। अब सावन आया था तो मेंढक भी फूद गए। तो बी फिटिंग तापसी के बी
बी फिटिंग सपोर्ट में बी फिटिंग विमेन कार्ड खेला गया रोहिणी सिंह के द्वारा। पूरा खुद पढ़ लो भाई, पोस्ट लंबी होती है। बाकी बॉलीवुड के कई लोग आकर गाल बजाने लगे कि कंगना तो फ्लॉप एक्ट्रेस है और तापसी की पिछली 5 फिल्मों ने 350 करोड़ से ज़्यादा कमाए हैं, वो बॉक्स ऑफिस स्टार है। लेकिन बड़ी बात पता है क्या थी? बड़ी बात ये थी कि तापसी पन्नू ने खुद ने गाल बजा लिया इस बात पर, वो भी सार्केजम मारते हुए, जबकि उसे अच्छे से पता होगा कि इन 350 करोड़ में से 300 करोड़ तो मिशन मंगल ने कमाए थे, वो अक्षय कुमार और विद्या बालन की फिल्म थी। तापसी अबव एवरेज एक्ट्रेस है और वो ठीक ठीक काम कर लेती है, लेकिन ये तो भाई ओवर एस्टिमेशन और सेल्फ ऑब्सेशन की हद थी। लेकिन चलिए इस फिल्मी दुनिया से बाहर निकलकर थोड़ी सी रियल दुनिया की बातें करते हैं, जहां आपके और मेरे जैसे इंसान रहते हैं अपनी अपनी रोटी की लड़ाई लड़ते हुए। तो भाई तापसी ने कंगना रनौत का नाम लिए बिना ये कह दिया कि भाई ऐसे लोगों के बयानों की वजह से ही बॉलीवुड की एक पर्टिकुलर डरावनी इमेज बन रही है, जिसकी वजह से कोई आउटसाइडर जो है वो बॉलीवुड में प्रवेश करने से भी आने वाले समय में डरेगा। स्वरा भास्कर ने भी इस बयान का समर्थन किया था। तो लेट मी टेल यू नाउ कि स्वरा भास्कर और तापसी पन्नू और इनके जैसे और लोगों के बयानों की वजह से आउटसाइड वर्ल्ड जो है उसके दिमाग में भारत की क्या इमेज बनती है, और इसके लिए हमें कुछ महीने पहले जाना पड़ेगा। देश के अंदर सीए के प्रोटेस्ट हो रहे थे, जामिया जैसी यूनिवर्सिटी से नकली हीरो बनाए जा रहे थे, पत्थरबाजी हो रही थी जामिया के गेट से, देश की राजधानी में बसें कुछ इस प्रकार से जलाई जा रही थी। पुलिस ने शुरू में शांति से समझाने का प्रयास भी किया था, लेकिन जब पत्थरबाजी नहीं रुकी तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था। सारे सबूत डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन तापसी पन्नू ने उस समय भी एंटी सीए पक्ष का साथ दिया और दूसरी तरफ इस प्रकार से कुछ धरने दिए अनुभव सिन्हा और अनुराग कश्यप के साथ बैठे हुए गेटवे ऑफ इंडिया पर। दूसरी तरफ स्वराज जो है वो सीए पर लोगों को ऐसे भड़का रही थी। एनआरसी में इतने डरावने प्रोविजंस हैं जिससे आम नागरिक जो है, और ये सिर्फ किसी कम्युनिटी की बात नहीं है, एनआरसी के ड्राफ्ट कहाँ है? एक मिनट, एनआरसी ड्राफ्ट कहाँ है? हर आम गरीब मुझे ड्राफ्ट बता दीजिए, कागजात नहीं है, ड्राफ्ट कहाँ है? एनआरसी का कहाँ है? एनआरसी सरकार से पूछे, मैम मुझसे कहे पूछ रही है, आप बता रही है कि डरावने प्रोविजन है। मतलब जब पूछा गया कि कानून कहाँ है तो कहती है कि सरकार से पूछो, इनसे कुछ मत पूछो जो लोगों को भड़का रही है। लेकिन जब इनसे सीए के बारे में पूछा गया ना तो पता इनका जवाब क्या था? सुनो, कैसी हवा में मैम, जब एनआरसी के ड्राफ्ट 10 साल तक एनआरसी का पूरा प्रोसेस असम में, असम का सीए से कोई लेना देना नहीं है, एनआरसी से लेना देना, बातें कर रहे हो, असम का कोई सीए से लेना देना नहीं है, सीए से कोई बात तो नहीं है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं असम में, आपने एक्ट पढ़ा है स्वरा, सीए का लेना देना पूरे देश से है, आपने एक्ट पढ़ा है स्वरा, बार बार कह रही हूँ आपको, आपने एक्ट पढ़ा है स्वरा, मैं आपके लिए एक्ट लेकर आई, मैंने रेलेवेंट सेक्शंस पढ़े हैं, इसमें मुसलमानों का कोई जिक्र नहीं है, आप मुसलमानों को भड़का रही हैं, इस एक्ट में माइनॉरिटीज का हिंदुस्तान के कोई जिक्र नहीं है, देखिए इस एक्ट को पढ़ लीजिए, रट लीजिए, इसमें किसी भी माइनॉरिटी का हिंदुस्तान की जिक्र नहीं है, नहीं मैम, आप पढ़िए इस एक्ट को, देखिए मैम, और एनआरसी का सीएए का असम के एनआरसी से कोई वास्ता नहीं, मुझे पता है, मुझे पता आप नहीं पढ़ेंगी, आप पढ़ेंगी तो आपका झूठ सामने आ जाएगा जी, आप नहीं पढ़ेंगी, मैंने रेलेवेंट चीजें पढ़ी हुई हैं। क्या सिर्फ रेलेवेंट सेक्शन पढ़े हैं? भाई ये सीए का जो पूरा एक्ट है ना वो आपके सामने है, पहले पेज पर तो सिर्फ एड्रेस बाजी है, दूसरे पेज पर 5 पॉइंट है और तीसरे पेज पर 1 पॉइंट है, पूरा पेज खाली है तीसरा, मतलब एक पेज के लॉ के अंदर इसने सिर्फ रेलेवेंट सेक्शन पढ़े हैं। और ये रेलेवेंट सेक्शन इसको बताया किसने है? नसरुद्दीन शाह ने या फिर अनुराग कश्यप ने? बंदी इंटरव्यू के अंदर बोल तो ऐसे रही थी जैसे इसको प्रदीप फंडामेंटल पढ़ने को दे दी गई हो, मतलब घुंघरू तोड़ने का टाइम है लेकिन एक पेज का पूरा एक्ट पढ़ने का टाइम नहीं है। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? ऐसे लोगों की गलत बयानी की वजह से जिन्होंने एक पेज के एक्ट के अंदर से सिर्फ रेलेवेंट सेक्शन पढ़े हैं उनकी वजह से पूरा भारत जलता रहा, दिल्ली के अंदर बड़े दंगे तक हो गए। लेकिन इतने महीने बीत चुके हैं सीएए को आए हुए, आज तक किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति की नागरिकता चली गई हो तो वो नोटिस में इन लोगों को जरूर लाना चाहिए, मेरे ख्याल से किसी की नहीं गई है। बाकी भाई शाहीन बाग जाकर बिरयानी ठूसना वो तो बहुत आसान काम है, लेकिन ये काम ना पहली बार नहीं हो रहे हैं। जब कठुआ गैंग रेप हुआ था तब भी इसी प्रकार की बातें हुई थी, और दूसरी तरफ जब भारत को लिंचिस्तान घोषित किया जा रहा था तब भी इसी प्रकार की बातें हुई थी। भारत में मोदी सरकार जो है मुस्लिम समुदाय को टारगेट बना रही है, इस प्रकार के आर्टिकल्स छापे जा रहे थे, और तापसी पन्नू जो हैं वो इस प्रकार की टारगेटिंग पर इस प्रकार के बयान दे रही थी। My house help is a Muslim. अगर मेरे को disturbing feel होना हुआ कि इन सब लोगों की presence में, तो I think मैं तो बहुत ही disturb रहूँगी दिन रात, क्योंकि my life is run by them. So it was very disturbing to realize कि this is how a particular religion is targeted. इसलिए शायद ये एक बहुत बड़ा reason था मेरा फिल्म करने का, कि अगर किसी को खड़ा होना चाहिए तो शायद आई थिंक आई वुड लव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो दहशत है, जो डिस्टर्बेंस है जो मेरे दिमाग में थी, ये उसको
वेंट आउट करने का तरीका था ये फिल्म करना। लेकिन इसका सच पता है क्या है, जिस डेटा को यूज करते हुए इन लोगों ने ये मुस्लिम टारगेटिंग की बात की थी, उस डेटा को 2019 के इलेक्शन के खत्म होते ही डिलीट कर दिया गया, वो भी ये कहते हुए कि डेटा फॉल्टी है। लेकिन भारत को ऑलरेडी दुनिया में बदनाम किया जा चुका था, न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, टाइम मैगजीन, नेटफ्लिक्स के शो सब पर यही चलचित्र चलाया जा रहा था कि किस प्रकार से भारत में मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है। और इस चलचित्र के जो नायक थे उसमें से एक का बयान मैंने अभी आपको सुनाया है। पर अब सवाल यह आता है कि ये जो लोग हैं वो इस प्रकार की हरकत क्यों करते हैं, तो स्वरा भास्कर का जो जवाब है वो आसान है, शी इज़ हार्ड कोड लेफ्टिस्ट। और जिस प्रकार से इफ्रित की बेटी को एक महीने में एक बार जहर उतारना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, उसी प्रकार से जो लेफ्टिस्ट हैं उनको हर नेशनलिस्ट मुद्दे पर अपने दांत कड़ाना ज़रूरी होता है। लेकिन तापसी का केस जो है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों, क्योंकि 31 दिसंबर 2017 से पहले तापसी पन्नू का कोई भी पॉलिटिकल ट्वीट ढूंढना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, कोई कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दे पर स्टेटमेंट या फिर कोई पब्लिक स्टेटमेंट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। हद करके आपको ढूंढने पर यह मिलेगा जिसमें वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को गरिया रही हैं, बल्कि उस समय तो बहन जो थी सदगुरु को भी प्रमोट करती थी। लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ? तो जी 13 अक्टूबर 2017 को मुल्क नाम की फिल्म में काम करने की ऑक्सीजन भर ली थी इन्होंने, जो कि अनुभव सिन्हा की फिल्म है, अगस्त 2018 में रिलीज हुई थी। अब जरा तापसी पन्नू को सबसे ज्यादा फिल्में कौन दे रहा है वो जरा देख लेते हैं। 2018 मुल्क अनुभव सिन्हा की फिल्म है, 2018 मनमर्जियां अनुराग कश्यप की फिल्म है, 2019 सांड की आंख अनुराग कश्यप की फिल्म है, 2020 थप्पड़ अनुभव सिन्हा की फिल्म है। अनुभव सिन्हा और अनुराग कश्यप के जो विचार हैं नेशनलिस्ट मुद्दों पर या नरेंद्र मोदी पर या फिर राम मंदिर पर या फिर 370 पर, वो आप खुद थोड़ा सा डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। उनके हिसाब से मोदी इज़ अ हिटलर। और मोदी की खिलाफत करते करते इंडिया को कब कब में बैड लाइट में दिखा दिया जाता है इनके द्वारा, वो हम सब ने देखा है। अब ऐसे लोग अगर फिल्में दे रहे हैं तो भैया इस प्रकार के स्टेटमेंट के अकनैया वाली ढपली भी बजा देंगे। तापसी पन्नू ने खुद बताया था कि किस प्रकार से उन्हें फिल्में मिलती हैं, कितना मुश्किल है उनको फिल्में मिलना। और नहीं यार वैसे अभी वो मुश्किल से मिलता है, वैसे नेपोटिज्म की बड़ी हवा आंधी चली हुई है, प्लीज टची टॉपिक मत अभी तू टच कर। She seems to be smart enough and knows how to build a PR. लेकिन अगर हम कंगना रनौत के इंटरव्यू की बात करें तो पता नहीं है उसमें कितनी चीज़ें गलत हैं कितनी सही हैं, वो पुलिस डिसाइड करेगी। लेकिन जो उस मुद्दे का क्रक्स है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो पूरा इंसिडेंट है और किस प्रकार से नेपोटिज्म बॉलीवुड के अंदर है, वो मुद्दा बिल्कुल सही है और लाइमलाइट में आना चाहिए। बाकी कब तक ये रस्साकशी चलती रहेगी भाई हमें तो नहीं पता, हम तो बेहद भोले आदमी हैं, लेकिन आप लोग जानते होंगे, भारत की जनता है, आप तो हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं आप patreon.com के थ्रू या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू, दोनों के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में मैं आपको दे रहा हूँ। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।